بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الاول والاخر والظاهر والباطن والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواهنا وأرواه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا أبداً حتى يرد عليّ الحوز وقال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات इल्तम शुरफातिया की तमाम मौमी नमामनात के लिए तमाम कराम मराजे अजाम तमाम शहदा मिल्लत के लिए हम सब के आबा उजाद और आयजा और रिश्तेदारों के लिए और खूस माह महर्रम से कुछ दिन पहले बल्कि अदीर से कुछ दिन पहले लाहौर में एक जवान को नारे हैदरी के जुर्म में कत्ल किया गया था يعني توفيق حسين ابن رستم علي كلي رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बेहुक्म खुदावन तबारक वाली अशरफुलंबिया ने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि मेरी रसालत की उजरत को अदा करना है और वो मेरे क़रबा की मदद की वजह से अदा होगी या याबा की मददत से अदा होगी और जब आप दुनिया में थे तो इस्लाम क़ुरान और तलीमत रसूल सल्ला वसलम का नाम था जब आप दुनिया से जाने वाले थे तो आपने तवज्जो दिलाई कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ एक कुरान, दूसरे अहल बैत जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे गुमराह ना होगे यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज कौसर पर पहुँच जाएंगे फिर ज़माना बदलता चला गया कभी जनाब सैदा को कत्ल किया गया बल्कि खुद सबसे पहले अशरफ को कत्ल किया गया जहर दिया गया जनाब सैदा की को कत्ल किया मौला अमीरम्न को इमाम हसन को और इमाम हसन को तो कहा जाए कि जहर से भी और बाद में उनके जनाजे पर तीर चला के और फिर इमाम हुसैन आलाम को और फिर ख़ानदान नबूबत को लगातार क़त्ल किया जाता रहा और फिर दीन इतने ख़तरे में मुफ्तला हो गया कि अब ज़रूरत थी कि बहुत ही बड़े पैमाने पर खून दिया जाए अल्लाह सुबहाना हुआ ताला की राह में और बातिल के चेहरे से नकाब को हटाया जाए अब सबका नशस्तों में जो हमने असल चीज़ की जानेब तवज्जो दिलाई वो ये थी कि यजीद ही वाक़ करबला का सिर्फ़ ज़िम्मेदार नहीं था बल्कि ये उन पिछले जिम्मेदारों के मुकाबले में उम्र में अकल में शूर में और अशरफुलम्बिया को देखने और उनसे इल्म लेने के अदबार से सबसे जुर्म सबसे कम था यानी अगर सवाल किया जाए कि जिन लोगों ने अशरफ लम्बिया के मुआजात को देखा और फिर हजर हिज़ियान व बकवास की नस्बत दी वह खुदा वंदबारकवा की बारगाह में ज़्यादा बड़े मुजरम हैं और उनका ज़्यादा सख्त हिसाब होगा या इस यजीद का कि जिसने वही ये इलाही का इनकार किया लेकिन रसूल अल्लाह को अपनी आँखों से नहीं देखा तो वाज सी बात है कि जिसने अशरफुलंबिया को नहीं देखा उनके मुआजात को नहीं देखा अपनी आँखों से वो अगर वही का इनक करता है तो उसका जुर्म मुआ को देखने के बाद अशरफ अम्बिया की अजमत को देखने के बाद उनके कौल को हजर व हिजियान व बकवास कहा जाए तो कतन व भयानक जुर्म है अब जो सबका जितना खून बहा असहाब का बल्कि सबसे पहले ख़ुद जनाब सैदा का बाद अम्बिया, मौला मौल अमिर का इमाम हसन का जनाब हज़रत अबूज़र का जनाब महमद अबन अबूबकर का जनाब उबैदुल इबन अब्बास के दो कमसन बच्चों को बा किया गया फिर खालिद अबन वलीद के ज़रिए से मालिक अबन नुबैरा तो ये सब जो खून बहे फिर जंग जमल में जंग सफीन में जनाब अमर बन के ख़ुजाई को कत्ल किया गया उनके सर को नो के नज़ा पर बुलंद करके मूसल से दमिश तक लाया गया जनाब बिन उदय को कत्ल किया गया कि जिनकी खबर को खोदा आई एस आई एस वालों ने तो अब इतना खून बह चुका था इतना जुल्म हो चुका था कि अब एक बड़े बड़े पैमाने पर एक अजीम हस्ती को कुर्बानी देनी थी कि जिसके बाद इन तमाम जराइम से बड़ा जुर्म जो है वो साबित हो जाए अब अगर ये कहा जाए इमाम हुसैन ने खून दिया तो ऐसा लगता है बहुत स्मूथ मामला जा रहा था शीर शकर बड़ी मोहब्बत कोई जंग नहीं थी कोई जदाल नहीं था क्योंकि ये दुश्मनाने अहल बैत की पॉलिसी है कि उनके जराइम को छुपाया जाए फतवा क्या देते हैं मुशाजरतबा को बयान करना हराम है शीयों का क्या जुर्म है कि उन चीज़ों को बयान करते हैं वाई हम गाली नहीं देते तोह नहीं करते कभी किसी की और इन जराम का बयान किया जाना तालीमत क़रान तलीमत रसूल सल्ल ला वसलम और तालमा अहिलम के मुताबिक एक अहम तरीन काम है कि अफसोस के साथ खुद हमारे भी इस जुर्म में बाद दवा शरीक है कि हक़ को बयान करना बुरा समझ रहे हैं तो अब आप यहाँ से समझ लें कि पचास साल के बाद इतने हालात ख़राब हो चुके थे कि अब बड़े पैमाने पर किसी एक बड़ी हस्ती का खून नहीं जाना है एक बड़ी हस्ती का खून एक बड़े पैमाने पर कुर्बानी होनी है यह है करबला। बला वह शहादत तो अब जनाब सैदा से बड़ी थोड़ी है इमाम हसन की मौला आमिर उमिन से ज्यादा थोड़ी है इमाम हसन की भी हो गई जनाजे में भी तीर चल गए लेकिन अब एक ऐसी मजलूमियत का जलवा हो कि जो छुपाई भी जाए तो ना पाए और यही वजह है कि उन तमाम मजलूमियतों को जिक्र करना चाहिए लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस है वह किस मज़लूमियत की जाने है इमाम हुसैन सलाम। लिहाजा अगर कभी भी कहीं भी आपसे कोई सवाल करे और आप ड्राइव कर रहे हों सो रहे हों सोते में उठें और आपसे कोई सवाल करे आपका बच्चा हो या कोई हो कि आज फ़लाना मुकद्दस दिन है या फ़लानी मुकद्दस रात है या मैं फ़लानी मुकद्दस जगह पे हूं तो क्या करूँ आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि एक गसल कर लो एक उस दिन या रात या उस जगह की नियत से एक नमाज पढ़ लो और क्या है जियारत इमाम हुसैन तो ये कल्चर की चीज नहीं है कि ये इंडिया में कर दी किसी ने बढ़ा दिया ना इमाम हुसैन की जियारत का जो इतना अहतमाम है वो इसी वजह से है कि इन सारी शहादतों को बचाने के लिए और इन सारे जराइम को के जो छुपाए जा रहे थे उजागर करने के लिए और इन तमाम लोगों के जराइम और इन तमाम लोगों की हबासतों के बाद जो एक ऐसा माहौल बन गया था उसको ख़त्म करने के लिए सिवाय इमाम हुसैन और साथ में असाब और अंसार की शहादतों के बगैर और इससे बढ़कर एक चीज़ यानी जनाब जैनब और जनाब, जनाब उम्मलात वसम और रुक़या बते खतीजा बिनतेली सफ़िया बिन तली फातमा बिनतेली उमुल कराम बिनते इमाम की अजवाज और बेटियाँ इमाम हुसैन की अजवाज और बेटियाँ और बाकी मुक़दस ख़वातीन और हा मौला अमीरुल मोमिनीन की जोजा जो करबला में थीं एकला बिन तसूद बबिन ख़ालद इन सब को असिर होना था और याद रखें कि वाक़ करबला को छुपा दिया जाता अगर ये मलून यजीद खबीस पलीतना अगर अहल बैत के हरम को असीिर न करता तो वाक करबला मशकूक हो जाता तो इस्लाम बचा इमाम हुसैन के खून से और जितनी पहले की शहादतें थीं वो सब की सब जिंदा और बाकी रहीं इमाम हुसैन की शहादत की वजह से और इमाम हुसैन की शहादत बाकी रही किसकी वजह से हजरत जैनब और हजरत उम्म कुलसूम और इमाम जैनद्दीन की असीरी की वजह से और अगर इन तमाम इसीरा करबला में देखा जाए जो सबसे अफजल ज़वाब थी वो दो हस्तियां थींजरत जैनब और हजरत उम कुलसूम की रिश्ते के एतबार से इमाम जैनद्दीन आलाम एक मरहले बाद में रिश्ते के एतबार से कोई बात में ना कहे कि मकाम के एबार से ना मकाम के एतबार से इमाम जैनद्दीन अफजल हैं क्योंकि इमाम हजरत हैं रिश्ते के एतबार से हजरत जैनब और हजरत उम्न कुलसूम हैं क्योंकि उस जमाने में अगर कहा जाए कि जनाब सैद सलाम उ के बचन मुबारक से शहादत इमाम हुसैन के बाद अगर कोई दुनिया में था तो कौन था सिर्फ हजरत जैनब हजरत अम कुलसूम हजरत इमाम जैन्दी भी नहीं थे वो फ़र्जंद हैं मौला आमिरम्न के जनाब सैदा के लेकिन जनाब सैदा के बतन में उनकी परवरिश नहीं हुई गो के ताल्लुक हैं उनका रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम के वो सगे नवासे नहीं हैं नवासे के फ़र्जंद हैं और ये जो असीरी थी इस असीरी ने इमाम हुसैन की शहादत को बचा लिया ये हबीस ये समझ रहे थे कि अहल हरम को रसवा करेंगे जबकि इस असीरी ने दर हकीकत इमाम हुसैन के खून को भी बचा लिया और अपने आप को इन लोगों ने मजीद हबीज साबित किया ये जिम्मेदारी है हम सब की अगर इस्लाम को बचाना है तो बताना होगा कि इमाम हुसैन हमारे नहीं हैं हम अलबत् इमाम हुसैन के इमाम हुसैन मुसलमानों के नबी के नवासे हैं मुसलमानों के अगर कोई है मुसलमान अगर कोई मुसलमान है तो उसके दिल में दर्द होना चाहिए रसूल की आल का अगर कोई मुसलमान है तो उसे फिक्र करनी चाहिए रसूल की आल के साथ क्या हुआ हमने पहले भी तवज्जो दिलाई कि तमाम मुसलमान फिरके हमारे बहन हैं भाई हैं उनके कदम हमारे सरांखों पर हैं लेकिन उनको बेदार करना भी हमारी जिम्मेदारी है उनको हमें झुंझुना नहीं देना उनको ख्वाब आलूद दवाई नहीं देनी कि उनको सुला दिया जाए ना उन्हें बेदार करना है कि बाबा नबी की आल के साथ ये हुआ और ये छुपाया जा रहा है ये पूरा एक मार्का है अभी मोबाइल जो हमने हाथ में लिया था इसीलिए अभी कुछ दिन से अमेरिका में शिकागो में एलेनोए में एक सेंटर है जिसका नाम है इस्लामिक सेंटर ऑफ नेपरविल और उन्होंने बाकायदा पहले तफसील से ये कलर्ड इश्तहार दिया और ये है ईद फेस्टिवल आई सी एन इस्लामिक सेंटर ऑफ नेपरविल ईद फेस्टिवल 2020 ईद डे फॉर द एंट्री इंटायर फैमिली संडे अगस्त सेवेंथ टू 7 पीएम आशूर के दिन अब जब इनके ऊपर सवाल किया ये सवाल किसने किया ये जो हम बच्चों को इस वक्त मुखातब कर रहे हैं जो बड़े हैं वो भी हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा पावरफुल हैं हम अगर करते हैं और बच्चे जो हैं ऐसे ऐसे करते हैं बस अगर जिसमें ज़्यादा गुंजाइश है जिसकी ज़्यादा पावर है उसको अल्लाह के यहाँ उतना ही जवाब देना होगा आपके दादी दादा से अल्लाह व तैाली सवाल नहीं करेगा कि फ़ेसबुक में कहाँ पर कुछ आया था उसने उन्होंने कमेंट किया कि नहीं किया हाँ उनसे बोलने का सवाल होगा उनसे बात करने का सवाल होगा उनसे पढ़ने का सवाल होगा लेकिन आपसे और ज़्यादा होगा क्योंकि जिसके पास जितनी टेक्नोलॉजी होती है जिसके पास जितना इल्म होता है अल्लाह सुबहाना ताल की बारगाह में अहल बैत के दफा के लिए खसूस बल्कि हर मज़लूम के दफा के लिए उससे ज़्यादा सवाल होगा तो बाद में जब कुछ नौजवानों ने किया तो उन्होंने फिर इस कस्म का बनाया कि अब आप लोगों को इस पर जाना चाहिए हमसे लें ताकि दोबारा जरूरत ना हो बाद में ये कहते हैं आखिर में कि हम किसी के भी बिलीव को नुकसान या आ, किसी को तंग नहीं करना चाहते किसी के बिलीव को छेड़ना नहीं चाहते अब यहाँ पर असल मौजू है किसी के बिलीफ अगर तुम मुसलमान हो ना तो तुम्हारे नवासे के नबी के नवासे का दिन है जो कह रहे हो ना किसी के बिलीव यह मुसलमानों के नवासे पर सोग मनाने वालों का बिलीव है अगर कोई मुसलमान है तो सीधी सीधी बात है अगर कोई अशरफ अशरफुलम्बिया को नबी मानता है और नबी जाहिर है वही मानेगा कि जो कायल होगा का वमा इंतको अनिल हवा का जो नबी के बारे में ये ख़्याल रखता हो कि ये माज हजर व हिजियान और, और बकवास और सही बुखारी के तर्जुमे के मुताबिक बर्राना बर्राने का दूसरा लफ्ज होता है क्या उर्दू में बड़बड़ाना कि जो नबी को इस किस्म के कायल हों तो वो जाहिर है नबी के नवासे का क्या शोक मनाएंगे अब ये कह रहे हैं कि ये डेट नहीं मिली अब आप तस्वुर करें कि ईद फेस्टिवल मना रहे हैं तो अब इन्होंने क्या कहा कि ये ईद उजी का फेस्टिवल था बाबा ईद अलाजह आशूर से पूरे एक महीने पहले की है यानी इतनी बड़ी मस्जिद में इतने बड़े इलाके में और शायद दो तीन सेंटर मिला के हैं इनको कोई भी दिन नहीं मिला ईद अज़ा के बाद ना बारह ना तेरह ना चौदह ना पंद्रह ना सोलह ना सतरा ना अठारह फिर उसके बाद पूरे तीस यानी बीस दिन नहीं मिले अच्छा फिर पहली मुहर्रम मुनासिब नहीं थी कि हजरत उमर की शहादत भी मनाते ईद भी मनाते हैं न्यू ईयर भी मनाते मगर आप देखें ये टेस्ट किया जाता है उम्मत को कि ईद फेस्टिवल कज़ा के तौर पर ईद उजी का आशूर के दिन रखो आहिस्त आहिस्ा कहो कि इसी नौ दस इसी नौ दस को बुकिंग कर ली जाए और फिर अगर देखेंगे कि जी इस दफ़ा तो मिस हो गया ग्यारह पे चली गई बुकिंग चांद आगे हो गया पीछे हो गया या नौ पे चली गई तो फिर कहेंगे थ्री डे फेस्टिवल यानि कहीं ना कहीं तो बिल आशूर को लाना है ये है वह बहुत ज़े अल्लाह कि जो आज नजर आ रहा है आपको इस वेस्टर्न कंट्री में और यह नतीजा है किस चीज का हमारे और बाकी अहले बैत के चाहने वाले गूंगों का गूंगे कौन जो नहीं बोलते मफलूज कौन जो नहीं टाइप करते नहीं लिखते और जब यह ऐसी चीज़ हो जाए याद रखें इसका मतलब है कि दुश्मन ने अहल बैत के लिए राहमवार हो रही है सब पर वाजिब है कि अहल बैत के लिए काम करें सलवा पढ़े बर मोहम्मद महम्मद वाल महम्मद इसको आप लोग जाके सर्च कीजिएगा इनका बाकायदा पेज वगैरह भी है गंदी जबान ना हो लेकिन एक शर्म दिलाई जाए खसूस इसमें कि दूसरों का बिलीव नहीं है अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे नबी के नवासे थे इमाम हसन इमाम हुसैन ये बताना है सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद और सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ ले आए अब यहां से दोबारा तस्क्र दें फक कर नफा आते जिक्र अब आप समझे कि सयाल लिबास का और रजादारी का और फर्श अजा का और मातम का और लोहे का और मरसी का और जुलझने का और ताबूत का और अलम का और इन चीज़ों का फ़ायदा क्या इनका फ़ायदा ये करबला याद रहे और करबला को याद दिलाना और याद रखना अफजल तरीन इबादत है लिहाजा पानी पीते वक्त भी क्या है हमारे लिए हुक्म कि तीन दफ़ा में पानी पिए बिसमिल्ला के से पानी शुरू करें इमाम हुसैन आलम की प्यास को याद रखें असलम अलैका या आबा अब अब्दुल्लह और क्या उनके दुश्मनों पर लानत उनके दुश्मन जो हैं सिर्फ वही नहीं है कि जो उस दिन व खड़े थे जिस जिस ने राह को हमवार किया खुदाबंद तबारक व तआला की तमाम मलाइका की तमाम अम्बिया की तमाम औसिया की तमाम मोमिनीन व इंस की लानत हो दुश्मन ने मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाह सुबहाना व तमाम मलाइका तमाम अम्बिया तमाम ओसिया और तमाम मोमिन जन्न इंस का दुरूद सलाम हो मोहम्मद व वाल मोहम्मद पर कल जब हमने हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो हमने तवज्जो दिलाई कि कुछ अब हम जिक्र करते रहेंगे इन तबरक़ात का ताकि हम उनको लॉजिकली डिस्कस करें हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उसको बड़े पैमाने पर लिखें डिसेंट तरीके से उसको मॉडर्न आर्ट के ज़रिए से उसको लॉजिकली डिस्कस करें हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा लोग जब मेहंदी का जिक्र आता है तो कहते हैं ये हिंदुवानी रस्म है ये बिल्कुल गलत है कि ये हिंदुवानी रस्म है बिल्कुल गलत है जितनी मेहंदी ईरान इराक में होती है उसका एक फ़ीसद हमारे यहाँ नहीं होता है गूगल फारसी में जाके लिखें गूगल अरबी में जाके लिखें नहीं है तो आपको हम देंगे ताकि वो लिंक आप आगे बढ़ाएँ अकद कासिम लिखें हना लिखें हम लोग हिना कहते हैं फ़ारसी में हना है अरबी में आमतौर तो पर हन्ना कहते हैं हन्ना लिखें कासिम लिखें अकद लिखें इतनी वीडियोस और तस्वीरें आएंगी कि आप दंग रह जाएंगे कि हमारे यहाँ अहतमाम के अदबार से चीज़ों के अदबार से फलों के हिसाब से लाइटिंग के हिसाब से मोमबत्तियों के हिसाब से हम एक फ़ीसद नहीं मनाते हैं। ये कहना कि हिंदुवानी रस्म बिल्कुल ग़लत है ये कहना कि इंडिया से है, सौ फीसद गलत है हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के लोग अयाम अज़ा में इराक़ जाते थे और इराक़ में ईरान और इराक़ के लोग जमा होते थे हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें वहाँ से हैं अब क्योंकि मुकाबला है तो बार बार हम तवज्जो दिला रहे हैं कि आज़ादारी अमाम हुसैन के बारे में जितना इलमी काम हो सकता है जितना आप काम कर सकते हैं ऐप बनाएँ चीज़ें बनाएं और सबसे बढ़कर यह कि उनके मॉरल को डाइन डाउन करने के लिए बताएं कि दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे आज़ादारी हो रही है मिसाल के तौर पर नाइजेरिया इस वक्त इनके दिलों पर खंजर चलता है जब नाइजेरिया की आज़ादारी देखते हैं यह आपको खुद देखनी चाहिए जाके अब एक जगह की आज़ादारी का ज़िक्र करें और साथ में अपने एक अज़ीज़ का जिक्र करें हम क्योंकि उनका हम पर बहुत बड़ा एहसान इस एतबार से है कि वो हमें मजलिसों में ले जाते थे और वो यहाँ आ चुके हैं बास देख चुके होंगे हमारे जो दो कजन्स हैं यहाँ पर अली और अब्बास उनके वालिद और इनके ससुर और उन्होंने एक वाक़ हमें बताया था कि जब हम भी सिक्स सेवन्थ में थे और वो ये बताया था कि मैं गया थाईलैंड तो आप लोग थाईलैंड की अज़ादारी ढूँढें जब कहते हैं मैं गया था लैंड और उसमें था रोज़ आशूर या शायद आखिर मुहर्रम था कुछ ना रोज़ आशूर अयाम आज़ाद कहने लगे मैं गया थाईलैंड लैंड और वो वाकन इमाम हुसैन आलम के आशिक थे और उनका वाकन ये वो था कि जितने भी हम लोग थे हम लोगों को ज़बरदस्ती यानी चलें, चलें 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 गाड़ी में भर के ले जाते थे पूरी सुजुकी के मजलिस में चलें अब जाहिर है कि ऐसा फर्द कि जो लोगों को मजलिस में ले जाता हो और ख़ुद जो है वो मजलिस में ना जाए तो वो थाईलैंड गए और ये सारी चीज़ें बाद में हम पर वाजे होने लगें कि उन्होंने क्या कहा था क्योंकि हमारे खुद थाईलैंड के दोस्त थे जो कुम में थे फिर जब हमने इस मौजू को और ज़्यादा देखा और दुनिया भर की आज़ादारी को डिस्कस किया तो हमें और ज़्यादा लुत्फ़ आया कि अच्छा ये वही वाली बातें हैं जो उन्होंने बताई थी लेकिन जब उन्होंने बताई थी इस बार इंटरनेट नहीं था ये एटीज़ की बात है अब ये कहते हैं कि मुझे ना वहाँ की जबान आए ना उन लोगों को इंग्लिश आए और वहाँ अगर रिक्शा होता है कि जो हमारे रिक्शा से अलग है वो एक ही दफ़ा जोर का धमाका करता है और थोड़ी थोड़ी देर में होता है कहने लगे मैंने रिक्शे वाले को रोका अब उसे क्या कहूँ ये ख़ुद उनके बहौल और बाखन वही निकला हमें वैसे भी यकीन था लेकिन बाद में और हो गया तो कहने लगे मैंने कहा कि या हुसैन तो उसने कहा चावसैन उन्होंने तो कहा ले चलो जाए चाउसैन है तो वो ले गया इमाम बारगा में और वहाँ उन्होंने इमाम हुसैन आसमाम पर घरिया किया और वो इमाम बारगा कौन सी है वो आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करें आपको ताज्जुब होगा ईरान से तकरीबन आज से सही डेट हम भूल गए आठ सा आठ सौ सात सौ या पाँच सौ साल पहले एक शेख अब्बास से थे थे जनान वाले नहीं दूसरे ये गए थे थाईलैंड उनकी वहाँ पर क़ब्र है वहाँ पर इमाम बारगा है और थाईलैंड में दो तरह के शिया हैं एक वो हैं कि जो बाद में हुए खसूस इनकलाब के बाद और उनको तबलीग़ की खसूस ज़की सोैद ने कि जो एक इराकी आलम थे और अमेरिका में थे और एक वो पुराने शिया हैं कि जिनको तबलीग की थी शेख अब्बास ने कि जिनकी कब्र है इस वक्त बैंकॉक में और वहां पर एक आजादारी होती है अगर आप लिखेंगे कहीं पर ढूंढेंगे आजादारी इन थाईलैंड या मुहर्रम इन थाईलैंड तो वो निकल आएगा और उनकी जो पूरी आजादारी है वह बिल्कुल और ईरान की पुरानी आजादारी है और जो ताबूत निकालते हैं वो लोग वो बिल्कुल यज्द के ताबूत जैसा है उस ताबूत में आपको झलक नजर आएगी चाइना और जापान की लेकिन अगर आप यज्द का ताबूत लिखेंगे जिसको कहा जाता है नखल गर्दानी तो वो बिल्कुल वैसा है कि जिससे लगता है कि उस जमाने में जो चार पाँच सौ साल पहले जो आज़ादारी की चीज़ें वो ले गए थे वो आज तक वहाँ पर बाकी हैं तो ये हमने उनके कि अल्लाह उनके दरजात बुलंद से बुलंद फरमाए पर वाले वाल महम्मलाबाद अब यह हमने ज़िक्र इसी वजह से किया कि वो हमें सैकड़ों मजलिसों में ले गए थे वाखन है उनका क्योंकि हम छोटे होते थे बाद दफर नहीं जा सकते थे और इस वाक्य को भी हमने इसी वजह से बताया कि उनकी याद के साथ ताजा रहे और इस वजह से बताया कि आप इन सारी चीजों को सर्च करें ये तीसरी दफा हम कह रहे हैं नौजवानों की जिम्मेदारी है इतना इसको फैलाएं इतना इसको फैलाएं कि दुश्मन का मॉरल डाउन हो जाए और एक अहम काम कि जो सबकी जिम्मेदारी है कि जितना दुनिया भर का मीडिया है उस पर एतराज करना चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा मजमा साल में दो दफा होता है रेगुलर एक आशूर का एक अरबईन का उसको उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा ये पूरा मिनहस कौम हमारी जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया के मीडिया पर हमारा एक जोर चलना चाहिए एक कैंपेन चलना चाहिए कि रेगुलर याद रखें वो नहीं है कि मिसाल के तौर पर चुन लाए कि उसमें इतने लोग जमा हो गए या इमाम खुमैनी की बरसी में इतने लोग जमा हो गए वो एक कभी कभी का है ये दुनिया का सबसे बड़ा मजमा है खसूस अरबैन का और उसमें सैकड़ों रिकॉर्ड टूटते हैं मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा फ्री खाना सबसे ज़्यादा फ्री पीना सबसे बड़ा फ्री मोबाइल सर्फेस सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ी ज्यादा ये सबसे ज़्यादा ये कोई एक रिकॉर्ड नहीं टूटता उसमें ये जिम्मेदारी है नौजवानों की कि इन चीज़ों को डिस्कस करें और याद रखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र और आयमतम का ज़िक्र जिस तरीक़े से भी हो जिस वजह से भी हो जहाँ जहाँ हो जैसे जैसे हो हती अगर आप में से कोई अपने दोस्त को अहबाब को नॉन मुस्लिम्स को भी करवाला ले जाता है और उसके बाद बताता है कि दुनिया में ये सबसे बड़ी वॉक है दुनिया में यह सबसे बड़ा मजमा है तो इसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है बिला तफरीक अदीन और मज़ाहब को लेकर जाएँ बाज दफ़ा मामिन समझते हैं कि इससे होगा क्या तो इन मजालस के हवाले से भी हम बताएं कि जो आम मजालस हैं इन में भी नॉन मुस्लिम्स को लाएँ खसूसा कौन सी मजलिस आशूर की मजलिस अब आप कहेंगे एक दफ़ा किसी हिंदू को और सिख को या नॉन मुस्लिम को लाए तो तब्लीग हो जाएगी हाँ तब्लीग हो जाएगी वो शी हो जाएगा ना वो शीह ना हो फिर भी तब्लीग होगी कोई फ़ायदा होगा बिल्कुल फ़ायदा होगा आप जानते हैं क्या फ़ायदा होगा हती अगर वो कुछ भी ना समझे जब उससे एक दुश्मन अहल बैत कहेगा कि शिया लाइटें बंद करके माजल्ला ये गुनाह ये गुनाह ये गुनाह करते हैं तो वो खड़ा होगा और कहेगा कि हम गए और हमने कुछ नहीं देखा मर्द अलग होते हैं औरतें अलग होती हैं तुम झूठ बोलते हो तो तबलीग सिर्फ ये नहीं होती कि आप सबको शिया बना दें या वो मातम करने लगे ना ये जो दुश्मनान अहल बैत आजादारी के खिलाफ प्रपगंडा करते हैं इनको रोकना खुद एक तबलीग है सलवा पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मौला अमिरमिन की असल फ़ीलत हीब रसूल अल्लाह इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी बाद में हौस पर भी जन्नत में भी और जैसे कल तो दिलाई माराज में भी लेकिन जो अहम तरीन उनका काम था वो दीन को बचाना था अगर एक ही रिवायत होती अना मदीनातलम वलीगुल बबो ये काफ़ी थी अगर एक ही रिवायत होती अना बैतुलत वलीगुल बाबो कि मैं हमत का घर हूँ अली उसका दरवाज़ा है और अगर एक ही रिवायत होती, आलम उम्मती अली इबन अबी तालिब कि इस पूरी उम्मत में सबसे ज़्यादा इलम रखने वाले अली अबन अबी तालिब हैं और अगर यही एक रिवायत होती अकजा कोम अली अबन अबी तालिब कि तो में से सबसे बेहतर कजावत करने वाले अली अबन अबी तालब हैं अब यहाँ पर भी याद रखें जब कहा जाता है कि मौला आमिरम्न लोगों को मशवरा देते थे अब हमारे यहाँ लोग जो हैं दुश्मनाने अहल बैत के लिए दिलों को नरम कर रहे हैं ये नासबियत है आखिरी ज़माने की अलामतों में से एक अलामत है कि दुश्मनान अहल बैत के लिए दिलों को नरम किया जाएगा दुश्मनान अहल बैत की जानब ख़ुद हमारे लोग दावत देंगे और अगर इस बारे में बात की जाए तो मुमकिन है कोई समझेंगे शायद हम मुबालगा कर रहे हैं अगर कोई आदमी शराब पीता है और बदतरीन गुनाह करते हैं शायद वो माफ़ हो जाए दुश्मनान अहल बैत के लिए दिल्कुल नरम करना उनकी जावत दावत देना इन तमाम गुनाहों से बदतर है शराब के बाद एक इस्तार में मामला हल हो सकता है मैं नहीं कहते अल्लाह ना कहे कोई शराब पिए लेकिन शराब पीने के बाद इंसान एक इस्तफार के जरिए से दोबारा मामला हल हो सकता है फिर हम बताएं कि कोई गुनाह नहीं होना चाहिए लेकिन मिसाल दे रहे हैं कि बदतरीन गुनाह कौन सा है लेकिन जो गुमराही है गुमराहियां भी ऐसी कि कभी किसी को आप दावत दें शराब की जानब कैसी कभी किसी को आप दावत दें किसी और जिनसी गुनाह की जानब लेकिन कभी आप किसी को दावत दें दुश्मन खुदा की जानब इन तमाम गुनाहों से बदतरीन गुनाह दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल और दुश्मन अहले बैत की जानिब दावत देना या उनके दिलों को नरम करना है क्योंकि ये सारे गुनाह माफ हो जाएंगे ये माफ नहीं होगा हम खुद शराब से रुक सकते हैं लेकिन अगर हमने किसी को गुमराह किया है तो बड़ा मसला है हमने अगर किसी को शराब पर लगाया है अल्लाह माजल्ला अल्लाह तो उस एक को रोकना आसान है और अगर वो शराब पे भी लगा है तो वो फुरुआत में गुनाह कर रहा है लेकिन खुदा रसूल और आयमा के दुश्मनों के लिए राहों को हमवार करना उसूल दीन की जड़ों को उखाड़ना है ये जहन रहे ये कोई मॉडर्निज्म नहीं है ये इतिहाद नहीं है ये इतिहाद में ये नहीं हो सकता कभी कभी अल्लाह को भी मानो कभी कभी शैतान को भी मानो ना 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 इत्याद में यह हो सकता है शैतान के मानने वालों को प्यार और मोहब्बत से अल्लाह के बारे में बताया जाए इतिहाद में यह नहीं कभी यह कभी हो अगर ऐसा इत्याद करना होता तो अशरफुल अंबिया ला इला ना कहते सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह करते लिहाजा हमारा पहला दर्श यह है कि झूठे खुदाओं का इनकार झूठे अंबिया का इनकार और जो भी अहले बैत के मुकाबले में झूठा आए पहले उसका इनकार जब वो सारे झूठों का इनकार हो जाएगा तब नतीजा निकलता है सच्चे के अखरार का 360 खुदा के इनकार का प्रॉब्लम था कुफारे कुरैश का एक अल्लाह का प्रॉब्लम नहीं था वहां पर वीआईपी जगह का प्रॉब्लम नहीं था कि रसूल अल्लाह जगह मांग रहे हैं कि अच्छी वाली जगह हो और बड़े मुजस्मे की जगह हो क्योंकि मेरे खुदा के लिए मेटल भी अच्छा होगा और जगह भी बड़ी होगी क्योंकि मेरा खुदा भी बड़ा होगा मामला ये नहीं था वो थोड़े थोड़े से पीछे कर लेते कहते कि चलो तुम यहां बड़ा वाला रख लो अपना मामला यह था कि पहले इन तीन खुदाओं का इनकार करना है और इसके अलावा जितने भी खुदा तस्वर हो सकते हैं सबका इनकार करना है रहती दुनिया तक के लिए फिर कहना है अल्लान यही मामला अल्लाह सुबहान वाली की रविश है कि तमाम अंबिया के दुश्मनों का इनकार करना है फिर इकरार करना है અને નન યહી સીરા તો સુન્નત હૈ કે મોલા আমিরુલ મુમનીન ઓહેલ બેત કે તમામ દુશ્મનો કા ઇન્કાર કરના હે ફિર ઇનકો માનेंगे તો નતિજા નીકલેગા ના યે કે કાતલ મખતૂર ظાલિમ મખતૂર સબકો બરાબર માન લે ઓ સબકો રઝી અલ્લાહ કહે દે તો મોલા আমিরુલ મુમનીન કી કઝાવતો મેસે જબ ભી ઝિકર હોતા હે તો ફૌરાન બાઝલો કહેતે હૈ જી વો ભી સાથ દેતે થે મોલા আমিরુલ મુમનીન ને કભી કિસી કા સાથ નહીં દિયા યે યાદ રખે કભી કિસી કા સાથ નહીં દિયા ક્યા કિયા હે મોલા আমিরુલ મુમનીન ને મોલા আমিরુલ મુમનીન ને દિન કા સાથ દિયા बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी पे कब्ज़ा हो जाए पाँच हज़ार स्टूडेंट का फ्यूचर दाव पे लगा हो और हमें पता हो कि निकम्मा आदमी सबको खराब कर देगा और फिर हम जाके जो है अगर समझाएं और उसके बाद जहन में हमारे ये कम से कम बच्चे पढ़ के तो निकलें तो हम इस आदमी का साथ दे रहे हैं या बच्चों के फ्यूचर का साथ दे रहे हैं हम यूनिवर्सिटी का साथ दे रहे हैं मौला अमीरुल अमीरम्न को अगर साथ देना होता तो जब उनसे कहा गया कि हम आपको तीसरा बना देंगे बेषर्त ये कि इतात कुरान और इतात रसूल के बाद क्या सीरत शेखैन अगर वहां पर मौला अमीरुल उलमिन अमीर कहते कि चलो जी हाँ सही है कुरान रसूल और कुरान रसूल, रसूल के साथ साथ सीरत शेखैन तमाम शिया सुन्नी मानते हैं मौला अमिरमिन ने कहा सिर्फ और सीरत रसूल अल्लाह सीरत शेखैन नहीं इसका मतलब है इस सीरत शेखैन आइडियल नहीं थी उनके लिए सीरत शेखैन कुरान और तालीमत रसूलल्ला नहीं थी अगर सीरत शख़ैन कुरान और तालीमत रसूल्ला के ऐने मुताबिक होती तो किसी चीज़ का भी इनकार मौला अमिर के लिए जायज़ नहीं था मौला आमिरम्न का इनकार बता रहा है कि इस्लाम के लिए खामोश रहना अलग बात है इस्लाम और मुसलमान के दिफा में मशवरे देना अलग बात है लेकिन सीरत ला बस ये भी जहन से निकाल दें कोई इस किस्म की बात करें ये भी हमारे फैशन में आ गई है मौला आमिर उलमोमिन की कजावतों में से दो कजावतों का हम जिक्र करें जिनमें से एक ये थी कि लड़की को लाया गया और भाइयों ने कहा कि यह हामला है और दायाएं कहती हैं कि यह हामला है और लड़की इनकार करती है मौला आमिरम्न ने कहा कि पर्दा खींचा जाए और आज भी ये जगह मस्जिद कोफ़ा में है जब आप वाक़ सुनेंगे तो फिर इनशाला जब जाएँ तो वहाँ पर मखसूस अमाल करें और अगर हम जिंदा हों तो दुआ करें कि खुदा अहिल की दिफा की तोहफ़ी कदा फ़रमाए और मर जाएँ तो दुआ करें भाई आखिर जाना तो है हमें तो वहाँ पर एक है दक्क़लक़ा कि जहाँ पर मौला आमिरम्न कज़ावत फरमाते थे और वहीं पर एक सुतून या जगह है जिसका नाम है बैतुलतशत तश्त की जगह तो मौला आमिर उलमोमिन ने कहा कि औरतों को बुलाओ दायाओं को बुलाओ पर्दा खेचो तो दायाओं ने कहा कि हाँ ये हामला है फिर मौला आमिर उमोनी ने जनाब कंबर से कहा कि जाओ एक तश्त तश्त यानी तब उसमें मट्टी लेके आओ और फिर कहा पर्दा खींचो और इस लड़की को उस मिट्टी में बिठाओ और उसमें पानी डाल दो सूखी मिट्टी में जब पानी पड़ता है तो एक बू उठती है जिसको पाकिस्तान वगैरह में बारिश के बाद कहते हैं सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है वो मिट्टी में पानी पड़ने के बाद शायद यहाँ पे इतनी महसूस ना हो क्योंकि यहाँ बारिश होती ही रहती है लेकिन अगर बिल्कुल खुश्क हो मिट्टी तो उसमें एक बूसी उठती है तो मां मौला ने फरमाया कि इसको बिठाओ फिर पानी डालो फिर एकदम से वो लड़की चीखी और जब चीखी तो उसके जिसम से एक चीज़ निकली और मौला ने फरमाया कि ये गई थी एक नहर के किनारे और वहाँ पर ये छोटी सी पानी की मखलूक़ थी जौक टाइप की चीज़ जो इसके जिसम में चली गई और वहाँ इसने बढ़ना शुरू किया ना इसने गुना किया था और ना ये बच्चा था अब ये वाली खजावत बिलाशक कोई नहीं कर सकता था सिवाए हजत खुदा के एक मामला चल रहा था पाकिस्तान में अगर आपको इल्म हो लोग इस्लाम से ऐसी बदबीन नहीं होते ये जितनी शिद्दत चल रही है ना दुनिया में अफगानिस्तान में आप देखिएगा कि अभी लोग कहने लगे मैं तो खैर खुल के कहता हूँ कि अफगानिस्तान में कम्यूनिज़म बेहतर था बेनस्बत वहशी तालिबान के फ़र्क क्या आप जानते हैं क्या कम्युनिज्म अगर होता तो लोग इस्लाम से दिल से नफरत न करते रशिया में कम्युनिज्म रहा कितने साल रहा तकरीबन 80 साल के करीब या उससे ज़्यादा लोग इस्लाम से नफरत नहीं करते थे कल्चर से दूर हुए दो अलग अलग चीज़ें नफ़रत नहीं करते थे लेकिन जब ये अहल के दुश्मनों का इस्लाम नाफिस होता है ना तो इस्लाम से लोग फिर नफ़रत करते हैं यही वजह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में लोग इस्लाम से नफरत करने लगे मगर यह कि हम बताएं कि सही इस्लाम क्या है तो पाकिस्तान में एक मामला चल रहा था जो आपने सुना होगा शायद अब आपको समझ में आएगा ये बात है जब हम 2004-5 में पाकिस्तान में थे तो टीवी पर चल रहा था हुकूक नस्वा बिल उस हकूक़ नस्वा बिल में जो एक अहम तरीन डिस्कशन था यानी वाक़न भयानक है استغفر الله अगर ऐसा इस्लाम है वा वा लेल इस्लाम वस सलाम हमें नहीं चाहिए बर मोहम्मद ओले मोहम्मद सल्लावा सल्ला आगे बढ़ जाएँ सल्लावाद के साथ और दिखते हैं आगे की जाने बढ़ जाएँ बर मोहम्मद ओले मोहम्मद सल्लावा बारे दिगर नारे सल्लावा कबला के दोनों जाने वहाँ तखत के पास भी थोड़ी बहुत जगह नजर आ रही मुझे वहाँ पे भी मूव हो जाए बारह हबीबे खुदा खत्म लंबिया बुलंदर सलवा तो मौला मोमिन की जो कजावतें हैं वो खुद एक अहम तरीन मौजू है तो वहाँ हमने उनमें से एक दो चीज़ों को डिस्कस किया उनमें से एक जो है मुमकिन इतना खुल के ना बयान कर सकें लेकिन हमने वहाँ पर किया था टी में भी किया और लोगों के सामने भी किया और उससे एक मसायल कुछ हल हुए अब मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि इस्लाम में साबित होगा गवाहों के ज़रिए से या अकरार के जरिए से हमने कहा ना और भी चीज़ें हैं कि जिसको हमारे कहा जाता है इलम काजी अब गेम क्या था बिल कि अगर किसी खातून के साथ ज़्यादती हो गई ये जानना चाहिए ये हमारे यहाँ जो हमारी तरबियत हुई है ना ये मशरक़ी मर्दों की उनकी तरबियत हुई है वडेरों जैसी यानी हमेशा जो है वो ख़वान के ख़िलाफ़ ही जाना है उन्होंने ये बात सही नहीं है ना बिल्कुल इधर के जो यूरोप चल रहा है हाफ़ एंड हाफ़ ना बिल्कुल इधर जहां हम जा रहे हैं सीधी सीधी बात है सबके राइट्स हैं मगर अफसोस है मर्दों के राइट्स की कोई एसोसिएशन कम से कम यहाँ भी नहीं है तो यह मजाक में कहते हैं लेकिन ज़रूरत भी नहीं है शायद इसमें शक नहीं है कि सारी दुनिया में ख़वान के साथ ज़्यादती है उसका रिएक्शन यह है कि जो यूरोप में हो रहा है वो भी बैलेंस से आउट है तो पाकिस्तान में यह कानून बना था भी इस्लाम है मुस्लिन कि अगर किसी खातून के साथ ज्यादती हो जाए ज़्यादती समझ गए क्या यानी उसकी साथ जिसमानी ओक और फिर वह प्रेगनेंट हो जाए अब जो कोर्ट जाएगी तो दो सूरतें हैं या तो वो मुजरम को पकड़ के लाए कि इसने किया था वरना क्या होगा इसको सजा होगी हमने कहा ना ये गलत है बिल्कुल मुसल कहाँ से एक लड़की ला सकती है किसी को कहाँ से एक लड़की लेके आएगी ये काजी की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करेगा कि ये जना है कि नहीं है ये लड़की की जिम्मेदारी नहीं है ये लड़की कहां से लेके आएगी अगर किसी के साथ ज्यादती हो गई किसी रास्ते में किसी ट्रेन में किसी बस में किसी बयाबान में यानी अब इसको आप संसार करेंगे वो भी इस्लाम के नाम पर और जब आप सौ खातन को संसार कर चुकेगे तो फिर आप सोचेंगे इस्लाम बाकी बचेगा यानी मुसलमान इस इस्लाम को मानेंगी फिर तो वहां पर ये बहस हो रही थी कि जी फिर इस लड़की के पास तो गवाह नहीं है बाबा लड़की के पास गवाह नहीं हो तुम्हारे पास भी तो गवाह नहीं है क्या ये इम्कान नहीं है कि एक लड़की ने गुनाह ना किया हो उसके साथ ज़बरदस्ती की गई हो जब इम्कान है तो इसका मतलब है दोनों जानेब देखो अब क्या आ जाता है हमने कहा हाँ एक और चीज़ है इम काजी काजी का इल्म और वह जदीद तरीके से हो सकता है और बिल्कुल सही और होना चाहिए कब के जब यकीन हो जाए मिसाल के तौर पर जो उसके जिसम में चीज़ हो उसका डी से पता चल जाएगा झायका है इसमें लेकिन कहा जाएगा हाँ कोई मामूली जगह ना हो डी एन ए की किसी मर्द पर भी तो जुल्म नहीं होना चाहिए फिर जितने इम्कान हैं उसको देखना चाहिए अगर मर्द कहता है बीस दफा डी एन ए तो बीस दफा होना चाहिए तो फिर हमने एक वाक बयान किया कि जो इतना खुल के नहीं बयान कर सकते लेकिन वहाँ पता चलता है कि मौला अमीर उलम जिस तरह से यहां मट्टी के जरिए से कजावत फरमाई ये जमानी की एक लेबॉर्ट्री वाला मामला था अब अगर वहां पर सोनोग्राफी होती कोई रेडियोलॉजी होती कुछ एक्सरेज वगैरह होते तो माम कहते वो कर लो अब उस जमाने में वो नहीं था तो मौला अमीरमनी ने मट्टी के जरिए की मट्टी में पानी डाल के एक खातून ने एक मर्द पर इल्ज़ाम लगाया हर ही तो नहीं खातिन मजलूम होती खातून ने एक मर्द पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरे साथ इस कस्म का काम चाहा है और ये देखें कि इसका फलाना जो एक ख़ास मादा है वह मेरे लिबास पर है अब क्या करें अब यहाँ पे कहा जाएगा कि मौला आमर उमौन अगर आज के दौर में होते हैं। कहते हैं करूं करूं वो तो कहते जाए उसको चेक करो ये करो वो करो लेकिन फिर भी मुमकिन है कि बहुत सारी शकें निकलती कजावत इतना आसान काम नहीं है अगज़ाक हो माली अपने अभी तालेब इसी वजह से आज भी जो हमारे बड़े बड़े काजी हैं बहुत अल्लाह से पना मांगते हैं कि अल्लाह तो हमें महफूज रख कजावत मुश्किल काम है मौला आमिरम्न ने क्या कहा अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए ना कोई केमिकल ना कोई चीज़ कहा कि इसके कपड़ों को यानी ख़ातून ने जो दावा किया है किसी के ख़िलाफ़ इसके कपड़ों को गर्म पानी में डाल दो अब क्या है कि मौला अमिरमिन इल्म से साबित भी कर रहे हैं उनको भी मालूम है क्या गेम चल रहा है नतीजा क्या हुआ कि वो जो चीज़ थी कपड़े में वो सख्सी हो गई मौला ने फरमाया कि अगर ये किसी का इस कस्म का मादा होता तो ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता गर्म पानी में ये असल में इस खातून ने अंडे की सफेदी इस्तेमाल की थी कि जब उसे गर्म पानी में डाला तो वो पक कर सख्त हो गई सलवा पुणे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद तो मालूम यह हुआ कि इस्लाम में गवाही गवाहीकरार नहीं है एक चीज़ है खुद इल्म कजी इल्म कजी जो है वो बिला शक हर आदमी के बस की बात नहीं है हाँ जदीद दौर में इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है तो यहां से पता चला कि मौला अमीरमिन जब जाते थे तो वो चंद काम करते थे वो काम क्या क्या इस किस्म का कोई मजबूर आदमी आपके सामने सजा उसको होने वाली हो तो मौला अली खामोश रहते क्या कोई राह ना निकालते आप बताएं आप क्या करेंगे बेशक हुकूमत आपके दुश्मन के हाथ में चली जाए और आप ये देख रहे हो कि इस लड़के को या लड़की को या मर्द को या औरत को मैं बचा सकता हूँ यूं जाके तो मौला आमिरम्न जाते थे हकीकत मजलूमों को निजात दिलाने के लिए क्योंकि ऐसे अफराध मुसलत थे कि उनका काम ही खटकट खटकट मारना था सजा देना आसान है सजा से बचाना मुश्किल काम है दूसरी बात यह थी कि वो इस्लाम को बचाना चाहते थे और साथ में तीसरी बात यह थी कि ला महाला लोगों को बताते थे कि इस मकाम पे अगर कोई बैठने वाला है और हकदार है तो वो अली अभी तालिब है वही के अकबर है और वही फारूक आजम है सल पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद तो मौला आमिर उमिन की जो कजावतें हैं इन थोड़ी बयान करेंगे और कोशिश करेंगे ऐसी कि जिनको आज की जदीद दुनिया में भी और साइंसी एतबार से भी और लॉजिकली जो है वो माना जाए और इंसान महसूस करे कि हाँ वाकई ये एक बेहतरीन चीज़ है और अगर वो इस ज़माने में होते तो इस जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ कर दे आज का दिन मंसूब है हज़रत अब्बास सलाम से और जब भी हज़रत अब्बास के मसाइब हम बयान करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक शायर और एक आलम उनका कुछ जिक्र करें क्योंकि हमारे अतबार से जितने शौरा हैं बिलाशक इनकी अल्लाह सुबहाना वत की बारगाह में बड़ा मक़ाम है मनख़ाल फीना फीना बैतन फिल जन्नत बैतः जिसने हमारे लिए शेर का अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना था लेकिन दायरे शरा के भी दर्जात हैं पाकिस्तान में एक आलिम भी थे जो शार थे उनका नाम था मौलाना हसन इमदाद साहब रजवानल्ल ने वो तीन चार साल पहले लॉस एंजल्स में दुनिया से रुखसत हुए और जो सच्चे साहब के अल्लाह उनके दर्जात बुलंद से बुलंद फरमाए उनके बाद जो मशहूर कलाम हैं उनके पढ़े हुए थे और उन्हीं के कलामों में से कलाम है कि जिसको हम जबान पे जारी करते थे लेकिन पता नहीं था क्या कह रहे हैं और वो हमें समझ में आया जब हम ईरान गए और ईरान में भी जब समझ में आया कि जब हमने पुरानी फारसी पढ़ी और जरा सी रगबत हुई तो हमने कहा जरा ये भी देखें क्या कहते थे ये तो वह आपने सुना होगा हिजब्र दशत अमीर नश्कर हुसैन इसके बारे में हमारा इरादा भी था कि इसको बाकायदा हाथ में लेके ये ऐसा कलाम है कि इसकी तफसीर की जाए ये बाखना ऐसा नहीं है कि यहाँ सुना और वहाँ से मुतमिन हो गए ना इसमें अल्फाज ही अजीब वरीब है और ये जो शौरा अहलैत के बारे में कहा जाता है कि अला सुबहान तला की जानब से इल्हाम होता है तो कहा जाएगा इनके लिए खास कोई लुफ्फ करम था जो इन्होंने हजरत अब्बास के फजाइल बयान किए हैं इस कलाम में वो इंतहाई मुनफरद से फकत दो जुमलात की जानब दो मिसरों की जानब हम तोज्जो दिलाएं कि जो हमारे यहाँ लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि क्या कह रहे हैं उसमें से पहला है हिजब्र दशत नैनवा अमीर लश्कर हुसैन हिजब्र कहते हैं पुरानी फारसी में शेर को हिजब्र दशत नै कौन है अमीर लश्कर हुसैन दशत नैनवा यानी करबला के दश्त का शेर हजरत अब्बास हैं जो कौन है अमीर लश्कर हुसैन उसके बाद वाला जो मिसरा है वो आमतौर पे उर्दू में तर्जुमा नहीं हो सकता और जिन लोगों ने किया एक दफ़ा किसी ने हमसे बहस भी कि मैंने कहा खुदा पनाह ब खुदा इसका ये तर्जुमा नहीं है क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर जब कहा जाता है किसी आदमी को शुजात की वजह से शेर तो शेर कहा जाता है शुजात की वजह से किसी को भेड़िया नहीं कहा जाता जबकि दोनों जानवर हैं लेकिन तमाम दुनिया की अदबियात में शुजात के लिए शेर का इस्तेमाल होता है तो अगले मिसरे में जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है फारसी का उसमें उर्दू के लिए उर्दू में उसके लिए वर्ड आम तौर पर नहीं है मगर यह किसी फारसी को यूज कर लें और वो फारसी को वर्ड कोई हमारे जानता ही नहीं है वो और लामला हमें इंग्लिश को यूज करना होगा अगला जो इनका मिसरा है वो यह है नहंगे कुल्ज में वगा जुम कहते हैं समंदर को वेगा यानी जंग तो अगले मिसरे में वो हजरत अब्बास को कह रहे हैं कि ये जंग के समंदर अब जंग के समंदर का क्या तो नहंग का तर्जुमा जो गलत किया जाता है एक दो ने किया मगरमच ये गलत है नहंग के माना है वेल तो पहले मिसरे में फरमा रहे हैं कि हिजब्र दशत नै नवा अमीर लश्कर हुसैन और फिर बाद वाले में आता है नहंग कुलजुम विगा यानी जंग के समंदर की वेल यानी ऐसा तखैल के जो उमन उर्दू में होता ही नहीं है और फिर उसके बाद जो अशार हैं इंतहाई मुनफरद हैं और सही माना में हजरत अब्बास की फजीलत को बयान करते हैं मौला अमीरम्न की फजीलत यह है कि जितने उनके खुदबात हैं वो अल्लाह के बाद के हैं अब इसमें फजीलत क्या है फजीलत यह है कि अंबिया की जिंदगी में वो कलाम नहीं फरमाते थे कलाम ना फरमाना खसूसियत है ना मौला अमीरम्न अशरफुलंबिया के लिए क्या फरमाते थे अना मिन अबीद मोहम्मद मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ और अशरफुलरते हैं मौला आमिर ने नहीं कहा रसूल मिन्नी व एना मिन हो मौला आमिर इतनी इनके सारी फरमाते थे अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं वो इनके सारी कि जो मौला अमीर उमिन और अशरफ अलम्बिया की किसकी बारगाह में अल्लाह की बारगाह में तो जनाब अब्बास के बारे में ये जहन में रहे कि उनकी ताकत उनकी कुदरत उनका हुसन उनका जमाल उनका जिसम और जिसामत और उनके बदन की मजबूती वो खुद रवायतों में नकल हुआ है कि मौला अमीराम तरबियत फरमाते थे मौला अमराम सख्त तरीन काम लेते थे जनाब अब्बास से यानी वो रूहानी ताकत और कुदरत और वो इल्म इमाम के ज़रिए से औरब इमाम के ज़रिए से जो मकामा थे वो अलग लेकिन फ़िज़िकली एतबार से भी जो मौला अमीर ने उन्होंने मजबूत किया था कि हल भी चलवाते थे और कुओं से पानी भी निकलवाते थे और तेरह चौदह साल की उम्र में सफी में बज़ दफ़ा जब नकब लगा के जाते थे तो बाज जगह बयान हुआ कि लोग कहते थे कि नका पोश सरदार कौन है लिहाजा जब करबला में जिक्र होता है जनाब कासिम का तो उस पर शबी एक एतवार से कहा जा सकता है कि जिस तरह से सफीन में जनाब अब्बास जाते थे चेहरा छुपाकर और जिसम जिसामत की वजह से और कुदरत और सौलत की वजह से लोग कहते थे कि ये कौन है पहलवान ये कौन है फौजी ये कौन सरदार है जो चेहरा छुपा के हमले कर रहा है अच्छ रकम लेकिन जनाब अब्बास की जो असल फजीलत है वो सारी की सारी नजर आती है इस तवील कामत बदन मुबारक के साथ मजबूत जिसम के साथ रवायात में नकल हुआ कि दो हस्तियां जब निकलती थीं तो मदीने में लोगों की निगाहें बुलंद हो जाती थीं और वो दो कौन निकलते थे एक जानब बनी हाशिम का चांद और दूसरी जानब शबी अल्लाह और जनाब अब्बास के बारे में है कि कद तवील सीना कुशादा जिसम मजबूत इंतहाई सौलत हैदरिया के मालिक अजीब कुदरत और ताकत लेकिन जो असल फजीलत है वो ये नहीं है असल फजीलत वो है जो इमाम जाफर सलाम ने उनकी रवायत उनकी जियारत में फरमाई है असल सलाम हो आपके ऊपर ए अल्लाह के साले अब्द अब का तर्जुमा क्या करेंगे आप उर्दू में अब्दुलाम मकाम अबूदीत जो है ये सबसे अहम चीज़ है अशहद्ला शरीक उसके बाद क्या गवाही देते हैं अशद महमद रसूल ना वह अशहद मम्मन अब दोहू अब क्योंकि वो अहम तरीन अब्द खुदा हैं सबसे ज्यादा अबूदियत के मकाम पर हासिल है क्योंकि सबसे ज्यादा अबूदियत के मकाम पर हासिल है फायज हैं और अपने आप को अल्लाह सुबहाना व बारगाह में अब खालिश करार दिया है लिहाजा अशरफुलम्बिया क्योंकि अपने आप को बिल्कुल फना कर दिया है अल्लाह की बारगाह में लिहाजा सबसे बुलंद है लिहाजा जो, जो जितना बड़ा अब्द होगा अल्लाह की बारगाह में उसका उतना बड़ा मकाम होगा लिहाजा अशरफुलंबिया का पहले मकाम उबूदियत है और यह मकाम अबूदियत उस आलम अनवार से है और बाद में है मकाम नबुवत। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने तोज्ज दिलाई थी कि आलम अनवर में भी जनाब सैदा का जिक्र क्या है सुबहानल्लाम्ला वाला अकबर उस आलम में वो सबसे बड़ी आबदा हैं कबूदियत के मक़ाम पर फायज़ हैं लिहाजा इस दुनिया में सबसे बुलंद हैं और जन्नत में तमाम खुवान की सरदार हैं लेकिन सरदार बाद में हैं सबसे बड़ा उनका मक़ाम यह है कि अल्लाह की बारगाह में फ़ना है तो जनाब अब्बास फरमाते हैं सलाम असलम साले सलाम हो आपके ऊपर ए अल्लाह के साले गुलाम यानी फना थे वो अल्लाह सुबहाना व की तात में अब ये एतात नज़र कैसे आएगी ये याद रखें ये जो बाज़ दफ़ा लोग मुतासर हो जाते हैं कि जो फ़लाना वलील ये जो हमारे अहल से बाजदूर हैं उन्हें गटर में बैठा हुआ नजर आदमी भी नज़र आता है मज़ूब जब अली को वली ना माना जाए तो गडर में लतपत वली लगता है कहते हैं जी मजदूर वली उल्ला है हाँ। अगर मौला अली को वली उल्ला मानता तो फिर हर आदमी को वली इंसान इतनी आसानी से नहीं मानता अब ये जो मकाम हजरत अब्बास सलातु सलाम का है वो कैसे है? का युबाल ये कैसे है? अब्दाले हैं अलमोती जो मोती हैं अल्लाह के वल रसूल वल आमिर वल हसन वल हसैन तो जनाब अब्बास हैं अल्लाह रसूल और इमाम मौलामिर इमाम हसन इमाम की इतात की वजह से अब अगर हजरत अब्बास जिंदा रहते तो वह इतात करते किसकी इमाम हसनलाब्दीन आलात सलाम की तो असल अबूदियत नज़र आती है आयम आलम्सम की इतात में और उनकी बारगाह में फना होने में और जनाब अब्बास की जो असल फजीलत थी वो ये थी कि आप अगर मिसाल दें कि आपने कभी देखा है कि वो नौजवान जो बड़ा माहिर होता है जिसकी बड़ी ताकत होती है बड़ी कुदरत होती है अगर किसी की लड़ाई हो जाती है तो बाज दफ़ा बेचारा बाप हाथ जोड़ रहा होता है कि अंदर आ जाओ माँ घर से बाहर निकल आती है मंजर इंडिया पाकिस्तान में नज़र आते हैं बाज़ दफ़ा यहाँ ज़्यादा नहीं नज़र आते यहाँ भी बाज़ ऐसे होते हैं जो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं लेकिन इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा नज़र आते हैं क्यों ना ज़्यादा नजर आते हैं उनमें ताकत ज़्यादा है जोश ज़्यादा है जवानी ज़्यादा है और जब जोश और ताकत और जवानी और कुदरत और ये सारी चीज़ें होती हैं तो इंसान मस्त हो जाता है और मस्त होने के बाद ना उसे अपना बाप नज़र आ रहा होता है ना माँ नजर आ रही होती है हज़रत अब्बास में ताकत और कुदरत और सौलत और हैबत और शुजात जिसमानी एतबार से रूहानी एतबार से हर एतबार सेज पर थी हुसनो जमाल में भी उरूज पे थे लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलाम का रास्ता रोका है किसने और ने तो जनाब अब्बास के जिस्म में हरकत नहीं थी वजह क्या है वजह यह है कि इमाम वक्त मौजूद हैं अगर खुतबे की जरूरत होगी तो यह खुद गुफ्तु करेंगे और अगर मेरे बोलने की जरूरत होगी तो मुझे बोलने का कहेंगे अब अगर हजरत अब्बास पहल कर दें तो फिर कमाल नहीं है और जनाब इस कलाम के जो शायर हैं मौलाना उन्होंने इन चीज़ों को भी डिस्कस किया है कि अगर हुक्म इमाम हो तो ज़बान खोलें वरना हज़रत अब्बास किस तरह से खड़े हैं उस ताकत और कुदरत और हैबत और सौलत को आप देखें कि एक बेजान मुजस्मे की तरह से खड़े हैं कि इमाम का हुक्म हो तो मेरी जबान में हरकत हो इमाम का हुक्म हो तो मेरे हाथ में हरकत हो इमाम का हुक्म होगा तो होगा और फिर अगर फजीलत देखनी हो कि जिसमें इतनी ताकत और कुदरत और सौलत और हैबत और शुजात हो और जो मौला अमीराम का वारिस हो और मौला अमीर उमाम ने उसे चाहा हो फर्जंदा रसूल पे से कुर्बान करने के लिए इमाम हसन इमाम हुसैन भी मौला अली के फर्जंद लेकिन मौला अली उनको रसूल का फर्जंद मान रहे हैं और एक फर्जंद चाह रहे हैं कि जो रसूल के फर्जंदों का दिफा करे और खसूस रसूल के फर्जंद हुसैन पे से कुर्बान हो जाए अब ऐसा फर्जंद के जो और इमाम वक्त की ढारस बना हुआ है लिहाजा इमाम हुसैन से हजरत अब्बास से जो एक तवसुल है वो क्या है या का शिफ अल कर्ब अन ए हुसैन के चेहरे पे से कर्ब को खत्म करने वाले एक शिफ कर्बी बेहक अकी हुसैन के मेरे कर्ब को आप खत्म कर दें आपको वास्ता है आपके भाई का अब ये जनाब अब्बास हैं और सिर्फ ये महसूस करें बार बार कि रास्ता रुकता है तो खामोश हैं अलमती व रसूलई वल अमीरम अमनीना वल हसन वलुसैैन अगर हज़रत अब्बास इमाम के हुक्म से पहले जोश दिखा कर हुर पर हमला कर देते ये फजीलत थी ये फजीलत नहीं थी लेकिन तसवुर करें कि जिसमें इतना जोश और ताकत और कुदरत और दौलत सौलत और, और हैबत हो ये बार बार हम जिक्र इसी वजह से कर रहे हैं कि वो फिर अगर एक साकेत मुजस्मा बन के खड़ा रहे और इस खामोशी को अपनी गैरत का मसला ना बनाए बल्कि इमाम वक्त की इजाजत का मुंतजर हो तो एक वक्त तो नजर आया हुर के मामले में और फिर नजर आ रहा है करबला में हर थोड़ी देर के बाद यहां तक के एक वक्त आया कि सब खत्म हो आप इमाम के पास फिर आते हैं इनतहाई अदब से क्या मुझे इजाज़त है कि दिल ये कहता है क्या मुझे इजाज़त है कि अब मैं आप पे से कर्बान हो जाऊँ क्या मुझे इजाज़त है कि मैं फ़ातिमा के लाल पे से क़ुरबान हो जाऊँ क्या मुझे इजाज़त है कि फ़ातिमा की मोहब्बत का सबूत दे सकूँ क्या मुझे इजाज़त है कि फ़रजंद रसूल पे से क़ुरबान हो जाऊँ क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इस वक्त क़ुरबान होकर अशरफुलंबिया की रिसाल की उजरत को अदा करूँ क्योंकि करबला के मैदान में अगर सालत की उजरत को अदा करना है तो हुसैन से कुर्बान होना होगा अब जनाब अब्बास जाते हैं और बाज मखातल में बयान हुआ कि इमाम ने फरमाया वजह क्या है कि हजरत अब्बास से एक ढारस है इमाम हुसैन को भी और जनाब जैनब और जनाब उम्म को भी जनाब सकीना को भी जनाब रुकैया को भी इमाम हसन इमाम हुसैन की अजवाज और बेटियों को भी और जनाब रुक़िया बिनते अली खतीजा बिनते अली सफ़िया बिनते अली फातमा बिनते उम्मल कराम बिनते अली इन तमाम बीबियों को ढारस है कि अभी हुसैन का अलमदार मौजूद है तो इमाम से इजाज़त मांगी इमाम ने फरमाया तुम तो मेरे अलमदार हो तो ज़बान हाल में जनाब अब्बास ने फरमाया कौन सी फौज के जिसका मैं अलमदार अब इमाम ने इजाजत दी कि हाँ पानी लाने की इजाजत है अब पानी लाने के लिए इमाम ने इजाजत दी है और पानी लाने की हद तक दिफा करना है अब जब पानी लाने की बात होती है तो जहन में रहे कि पूरी नहर अलकमा पर दुश्मन का कब्जा है और मश्क को भरना कह देना बड़ा आसान है जिन्होंने मश्क देखी हो और मश्क़ खुश्क हो जाती हो खुश मश्क यानी चमड़ा सूख जाए वो लेदर, वो चमड़ा जो कभी गीला था और वो अब खुश हो जाए हम में से जितने भी लोग हैं उन्होंने देखा होगा अगर पानी भरते हुए मशकों में तो उमन बड़े बड़े प्रेशर के नलों से देखा है लेकिन दरिया से सूखी भी मश को पहले तर करना है ताकि जगह बने और फिर उसको भरना है कोई प्रेशर का पंप नहीं है ये मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि बड़े आराम से कह दिया जाता है कि जनाब अब्बास खुश मश को लेके तराई में उतरे और मश भर गई भर ली मश को भरना हुक्म इमाम और इमाम की खुशनूदी के लिए और जनाब सकीना और बच्चों तक चंद कतरे पानी ले जाना अपनी ज़िंदगी का हदफ़ समझना और इस दौरान अपने आप को बचाना ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि इमाम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और साथ में मश्क को बचाना कि जब तीरों पे तीर आ रहे हों अपने आप को भी बचाना है और मश को भी बचाना है और पानी भी भरना है और इसी दौरान जनाब अब्बास ने पानी लिया और लेने के बाद फेंक दिया वजह क्या थी कि मौला अमीराम ने आखिर वक्त में भी वसीयत की थी कि जब ए अब्बास तुम पानी लेने के लिए ले जाओ या का पीना अगर मौला मौलाद भी ना करते तो भी जनाब अब्बास पानी ना पीते बस वो ताकि जो बाद दफा औलिया खुदा को की जाती है वो खास चीज बताने के लिए होती है कि इमाम वक्त पर हर चीज को कुर्बान करना है अजरको मल्ला बस एक वक्त आया कि जनाब अब्बास नहर की तराई में उतरे और खुश मशक को भरना शुरू किया इस आलम में भरना शुरू किया कि हर जानेब से तीर भी आ रहे हैं और हर जानेब से फौजें बढ़ती चली जा रही हैं और निदा यह बुलंद हो रही है कि खबरदार चंद कदरे पानी भी हुसैन के लश्कर में न जा सके अजरक मलल्ला इस दौरान जनाब अब्बास ने मश को भरा किस तरह से भरा होगा ये तो सिर्फ़ वो जाने और अल्लाह सुबहाना हूँ वाली जाने और अगर सही मसायब सुनने हों तो खुदावन तबारक व ताल से दुआ है कि ऐसा वक्त आए कि हम इमाम जमान सलातु सलाम की बारगाह में हों और उनकी ज़बान मुबारक से सही माना में मसायब करबला को सुने अजरकमल एक वक्त आया कि जनाब अब्बास ने मश्क़ भरी ये कौन सी मश्क़ है इसका नाम मश्क़ सकी नहीं है लेकिन क्योंकि इरादा यह है कि हुसैन की बेटी सकी को पानी पिला दूँ हुसैन के बच्चों को पानी पिला दूँ तो इस मश्क़ को नस्बत दी जाती है जनाब सकीी से वजह क्या है कि जनाब अब्बास की ज़िंदगी का हदफ़ यह है कि पानी भर के चंद कतरे ले जाऊँ और पिलाऊँ किस को फातमा की पोती को चंद कतरे पानी पिला दूँ कुमल्ला एक वक्त आया कि उस मश को ले जनाब अब्बास तराई से बाहर निकले अब निकलने के लिए मुकाबला कर रहे हैं जंग की इजाज़त नहीं है ये और बात है लेकिन अब दिफा की इजाज़त है दिफा करते चले जा रहे हैं और फौजों को चीरते चले जा रहे हैं कि कहीं चंद कतरे पानी ले जाऊं सुबह से मैं इमाम वक्त की इजाज़त का इंतजार कर रहा था इमाम वक्त ने मुझे इजाज़त दी है पानी लाने के लिए चंद कतरे में पानी लेके आकाश पहुंच जाऊं एक वक्त आया कि जनाब अब्बास तराई से बाहर निकले और मश सीने से लगाई हुई है और मश को बचाते चले जा रहे हैं लेकिन एक वक्त आया कि बाजू कलम हुआ और एक वक्त आया कि बाजू कलम हुआ अब एक वक्त आया है कि तीर चला सकते हैं ना तलवार चला सकते हैं और न ढाल से दिफा कर सकते हैं इस आलम में आगे बढ़ रहे हैं कि जिस तरह से एक शेर के मुंह में शिकार हो तस्मे मश को थामे हुए खून बह रहा है अभी रू निकलने वाली नहीं है वजह यह है कि इमाम ने जिस चीज की ख्वाहिश का इजहार किया है आकाश चंद कतरे पानी बच्चों को पिला दूं इमाम की हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ते चले गए जिसम से खून बह रहा है लेकिन जनाब अब्बास ज़िंदा है लेकिन एक वक्त आया कि चंद तीर मश्क के सकीना पे लगे अब जब पानी बहने लगा तो दिल ये कहता है कि अब्बास के जिसम से खून बह रहा था लेकिन अब्बास को इस खून के बहने की फिक्र न थी लेकिन जब मश का पानी बहने लगा तो वह खून बहने से ज़्यादा अब्बास के लिए सख्त था क्योंकि वो देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो के मैं खेम तक पहुंच जाऊं लेकिन पानी ना पहुंच सके अब्बास आगे बढ़ते चले गए तलवार चलने लगी मशीना पारा पारा हो गई एक वक्त आया कि जमीन करबला पे जनाब अब्बास नेगने के बाद जमीन पे आए रन में एक निदा गूंजी असला या मौला, या हज़्ज़त अल्लाह, जनाब इमाम ने सुनी रन में के निदा गूंजी अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई इमाम घोड़े पे सवार हुए रन की जानेब आगे बढ़े अब क्या मंजर देखते हैं कि जमीन करबला पे अब्बास दोनों बाजू कलम हो चुके हैं तीर लगे हुए हैं एक आंख में तीर है मौला के ने एक में तीर देखा गिरिया किया होगा अरे ये तो वो मेरा चांद है के जो कमरे बनी हाशिम था ये मेरा वो चांद है के जो हर वक्त मुझे देखा करता था अब जनाब अब्बास किस तरह से अपने मौला से कोई ख्वाहिश करे लेकिन ख्वाहिश भी क्या है कि आखिर वक्त में मामे वक्त को देख लू तो बाज मकातल में बयान हुआ कि मौला मैंने कभी आपको अपना कोई काम ना दिया कभी आपसे कोई फरमाइश ना की मेरी आंख में तीर है दूसरे में खून है मैं आपका दीदार करना चाहता हूं मुमकिन है कोई ना जानता हो अब्बास की मजलूमियत को तो वो सोचे कि अपने हाथ से भी तो साफ कर सकते थे लेकिन अब्बास के तो दो दोनों बाजू कलम हो चुके हैं जनाब इमाम हुसैन ने आंखों का खून साफ किया भाई का दीदार हुआ भाई का दीदार होने होना था कि जनाब अब्बास की रूह जिस्म से निकल गई यहां अब्बास दुनिया से रुखसत हुए वहां हुसैन की कमर टूट गई वहां खैमे में जैनब और उम्मे कुलसूम की आस टूट गई रन में निदा बुलंद हुई अलान इनका सरा जहरी वकिल्लत हीली